हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और उसमें अभी तक हमने फॉर्मूलेशन और ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया है एंड सिंप्लेक्स मेथड हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। सो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल बात की थी, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिकल। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो दो चीज़ें इंश्योर करनी है, पहले उनकी बात करेंगे। एंड हमने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड को हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे। पहली कैटेगरी होगी जिसमें सारे कॉन्स्टेंट लेस देन और इक्वल टू होंगे, एंड सेकेंड कैटेगरी वो कैटेगरी होगी जिसमें मिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स होंगे। उसमें लेस देन इक्वल टू भी होगा, ग्रेटर इक्वल टू भी होगा, इक्वालिटी भी होगी, राइट? सो ये आप देख सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। मैं पहले इनकी बात कर रहा हूँ, देखिए दोनों ही सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी में है। इसका मतलब ये कैटेगरी वन है और हमने कहा था कि हम पहले फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे कॉन्स्टेंट लेस देन इक्वल टू हो। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात में टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इंश्योर करनी थी वो ये करनी थी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इट शुड बी इन मैक्सिमाइजेशन, वो मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। तो वो बिल्कुल है, तो वो जो कन्वर्ट करने वाली बात थी वो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन है। नाउ सेकंड चीज जो थी, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट दी कॉन्स्टेंट इनटू दी इक्वालिटी। और इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ रूल्स लास्ट वीडियो में किए थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला रूल है हम इसके बारे में ही सोचेंगे, इसके बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी के ही बारे में बात होने वाली है। सो चलिए, सो मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ वापस लिखता हूँ, मैक्सिमाइज जी इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट 3x1 प्लस 5x2, नाउ लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी है, उस केस में हमें जो करना होता है दैट इज कॉन्स्टेंट में जो चेंज होता है वो प्लस s और उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस 0s, ठीक है? तो वही हम करेंगे, कॉन्स्टेंट में मैं ऐड कर दूंगा प्लस s1 इज इक्वल टू 15 और इसकी रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाएगा प्लस 0s1, ठीक है? सेकंड कॉन्स्टेंट भी लेस देन और इक्वल टू है, तो सेकंड कॉन्स्टेंट का भी मैं एज इट इज़ लिखूंगा 5x1 प्लस 2x2 प्लस अगेन लेस देन इक्वल टू, तो s ऐड होगा बट इस बार s2 जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, अलग अलग दिखाने के लिए 10 और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ चला जाएगा प्लस 0s2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड में आपको ये चीज़ लिखना ना भूलें, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सी ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, प्रैक्टिस भी कर ली थी, बट क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमेशा ये चीज़ करनी है, इसलिए तो चीज़ बार बार होगी तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस से ये चीज़ माइंड में बैठ जाएगी। सो अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के बाद कहाँ जाना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जाना है सिंप्लेक्स टेबल में। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में जो चीज़ हमेशा सेम रहती है वो है फर्स्ट रो आपकी होगी That will be CJ, ठीक है? और उसके नीचे दो कॉलम होंगे CB एंड BV। CB इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल, BV इज बेसिक वेरिएबल, राइट? मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, BV स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल, ठीक है? CB इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल, राइट? एंड SV जो है दैट इज सॉल्यूशन वैल्यू एंड RR इज रिप्लेसमेंट रेशो, ठीक है? नीचे आप देख रहे हैं ZJ और ये है CJ माइनस ZJ। एक्चुअली CJ माइनस ZJ इज कॉल्ड एज नेट इवेल्युएशन रो, राइट? ये कहलाती है नेट इवेल्युएशन रो। सो ये CJ CB BV ये हमेशा हर टेबल में होंगे। आप
आपकी क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ बीच में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं चार कॉलम्स हैं, क्योंकि मैंने इंटेंशनली चार लिए हैं बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में चार कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो कॉलम्स बढ़ सकते हैं। और ये जो बीच में दो रोज़ हैं, ये दोनों नंबर ऑफ रोज़ बढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ दो की ही ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ दो ही लिए, राइट। सो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है। मैं इस फॉर्मेट को यहाँ अब इसकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इट विल बी दी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। हमेशा आपको टेबल के ऊपर लिखना है कि कौन सी टेबल है ये। सो इट इज़ गोइंग टू बी दी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। और इस वीडियो में हम इस फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की बात ही करेंगे, राइट। सो एक बार मैं क्वेश्चन वापस पीछे चलता हूँ। सो क्वेश्चन में आपने उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि मैं साइड में यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, राइट। सो ये क्वेश्चन मैंने पीछे से वापस यहाँ ले लिया है इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद। अब सबसे पहले देखिए हम वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो आपकी CBBV वाली जो ये रो एक चल रही है, इसमें फर्स्ट ये जो सेक्शन है, सेल है, इसमें आप लिख दीजिए X1 देन X2 देन S1 S2। कैसे लिखा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, X1 है, X2 है, S1 है, S2 है, चारों को यहाँ लिख दिया। अगर और होता तो ये कॉलम बढ़ जाते और एक्स्ट्रा आ जाता, ठीक है। अब ऊपर CJ की वैल्यूज़ हम लिखेंगे। X1 का कोएफिशिएंट देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब आपने देखा X1 का कोएफिशिएंट कितना है, सर 5 है, तो X1 के जस्ट ऊपर यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरह से X2 का कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पे X2 का कोएफिशिएंट है 3, तो X2 के ऊपर यहाँ आ जाएगा 3। S1 का कोएफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है, S1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, और S2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। सो CJ वैल्यूज आ गई, CJ आ गया और ये हो गया। अब हम सबसे पहले इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को एंटर करेंगे, ये वाले को और इस वाले को, दो ही कॉन्स्टेंट है। सो फर्स्ट कॉन्स्टेंट को मैं देखिए एंटर कर देता हूँ, आप ऑब्जर्व करिएगा 3, 5, 1, 0, 15। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि मैंने X1 के कोएफिशिएंट को X1 के नीचे लिखा, X2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जो उसका कोएफिशिएंट था, उसको X2 के नीचे लिखा, S1 के साथ क्या था, 1 था, उसको 1 लिखा, और S2 यहाँ नहीं था, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, देर इज 0 S2, सो 0 लिखा, और इक्वल टू की उधर जो है वो हमेशा SV में आएगा, सो इट इज़ 15, तो मैंने 15 लिख दिया। इसी तरह से सेकेंड को लिख दीजिए फटाफट, 5X1, 2X2, 0S1, 1S2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप देखिए हम फिल करेंगे BV कॉलम। BV इज बेसिक वेरिएबल। नाउ बेसिक वेरिएबल कॉलम में हमें हर कॉन्स्टेंट से, हर जितने भी कॉन्स्टेंट आपको गिवन है, हर कॉन्स्टेंट से एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो। ध्यान से सुनिएगा, हर कॉन्स्टेंट से एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 हो, और बाकी सब जगह ऑब्जेक्टिव फंक्शन और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट है वहाँ उसका कोएफिशिएंट 0 हो। तो इस केस में क्या है, आप देखिए S1 एक ऐसा वेरिएबल है फर्स्ट कॉन्स्टेंट में जिसका कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 है, और इसका कोएफिशिएंट बाकी सब जगह 0 है। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया S1। और इसी तरह से सेकंड कॉन्स्टेंट में जब आप देखेंगे तो आएगा S2। देखिए ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया है कि बेसिक वेरिएबल में S1 और S2 आया क्यों। आप शॉर्टकट में एक चीज़ माइंड में बिठा लीजिए कि बेसिक वेरिएबल के अंदर आप फर्स्ट कॉन्स्टेंट से ले लेंगे S1 और सेकंड कॉन्स्टेंट से लेंगे S2। फर्स्ट टेबल में हमेशा यही करना है। क्यों होता है ये रीज़न भी पता होना चाहिए। वो इसलिए होता है, हमें एक ऐसा बेसिक वेरिएबल में वेरिएबल लेना है जिसका कोएफिशिएंट उस कांस्टेंट में, ये फर्स्ट कांस्टेंट की रो है पूरी, ये पूरी रो फर्स्ट कांस्टेंट की है। सो इस फर्स्ट कांस्टेंट वाली रो में हमें से एक ऐसा वेरिएबल लेना है जिसका कोएफिशिएंट उस कांस्टेंट में तो पॉजिटिव 1 हो और बाकी सब जगह 0 हो, ऐसा आपको S1 S2 ही मिलेंगे, राइट। तो बेसिक वेरिएबल में हमने ले लिया S1 S2 हमेशा। अभी आप देखिए आगे और क्वेश्चंस करेंगे, उनमें भी S1 S2 S3 जो भी होंगे वही लेंगे, राइट। अब आ गया CB। नाउ CB में क्या है, कुछ नहीं है। S1 का CB मतलब कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना है, कंट्रीब्यूशन मतलब उसका कोएफिशिएंट ले लीजिए। तो S1 के ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0, या यहाँ से देख लीजिए S1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, एक ही बात है। सो CB 0 एंड S2 के साथ भी 0। ये हो गया पूरी टेबल में विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो भी काम होने थे वो सारे हो गए। अब देखिए आप, हमें वैल्यूज़ निकालनी है ZJ की।
देखिए जेड जे की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हर वेरिएबल के लिए, हर कॉलम के लिए यहाँ वैल्यू आएगी। फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, फोर्थ ये रहा, तो इन सारे कॉलम्स में वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखिए फर्स्ट कॉलम के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, मैं यहाँ अभी कर रहा हूँ लेकिन आपको हर बार टेबल में मेंशन नहीं करना है, बट मैं एक वर्किंग नोट की तरह यहाँ दिखा रहा हूँ। 3 × 0 प्लस 5 × 0, क्या किया, ये 3 लिया, इस 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस इस 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से, यानी सी बी वैल्यूज़ को जो हर वेरिएबल के अंदर जो भी सेल में वैल्यू है उसको उसके रेस्पेक्टिव सी बी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और सबका टोटल ले लिया, तो ये आएगा क्योंकि 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए, अब क्या होगा, 5 × 0 5 × 0 प्लस 2 × 0 अगेन 0। इसी तरह से 1 × 0 0 प्लस 0 × 0 0, तो ये भी 0, एंड सिमिलरली दिस वन विल ऑल्सो बी 0। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं बट इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब आते हैं सी जे माइनस जेड जे। अब सीधे सीधे लिखा हुआ है सी जे माइनस जेड जे, हर कॉलम के लिए आपके पास सी जे वैल्यू है, हर कॉलम के लिए आपके पास जेड जे वैल्यू है, माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट कॉलम के लिए सी जे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ऊपर आ जाइए सर, सी जे ये रहा, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के लिए सी जे वैल्यू है सर 5 और जेड जे वैल्यू है 0, तो 5 − 0 5 कैसे आया, 5 − 0 इज इक्वल टू 5। 5 इसकी सी जे वैल्यू है और 0 इसकी जेड जे वैल्यू है। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए सी जे वैल्यू है 3 और जेड जे वैल्यू है 0, तो यहाँ आ जाएगा सी जे माइनस जेड जे में 3 − 0 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में आप देख लीजिएगा 0 − 0 0 आएगा, थर्ड वाले में भी 0 − 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी जे माइनस जेड जे की वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या चेक करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेक दैट ऑल दी वैल्यूज ऑफ सी जे माइनस जेड जे आर लेस देन और इक्वल टू 0। चेक करिए कि क्या सी जे माइनस जेड जे की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0, कहने का मतलब है 0 और नेगेटिव हो गई क्या, 0 या नेगेटिव आ गई क्या। तो आपने चेक किया तो बोले नहीं सर, यहाँ तो पॉजिटिव 5 भी आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे पॉजिटिव 5 आ रहा है और यहाँ पे आपके पॉजिटिव 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यूज सारी नेगेटिव नहीं हुई है। इफ नॉट then optimal solution cannot be obtained right now, cannot be obtained right now, we will move to सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। नाउ अब सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में जाने से पहले हमें कुछ करना है, पहली चीज़ क्या करनी है वो ये करनी है, सेलेक्ट दी हाईएस्ट, ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन सी जे माइनस जेड जे। आपने बोला पॉजिटिव वैल्यू है तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करिए, क्या है सर 5 है, इसके नीचे मैं एक एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है सर, ये है 5, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। और ये जो कॉलम है ना पूरा, ये जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आप हाईलाइट कर दीजिए, दिस एंटायर कॉलम विल बी दी की कॉलम, क्या कहलाएगा, ये की कॉलम कहलाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या किया मैंने, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करी, उसके कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उस कॉलम को आप चाहें तो पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो दिस विल बी दी की कॉलम। अब क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट आर आर, रिप्लेसमेंट रेशो निकालेंगे। रिप्लेसमेंट रेशो कैसे निकलता है, जो एस वी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे की कॉलम वैल्यू से। रिप्लेसमेंट रेशो देखिए, एस वी वैल्यू है यहाँ की 15
और उसकी की कॉलम वैल्यू, की कॉलम वैल्यू जो हाईलाइट आपने किया है अभी, 3, सो 15 अपॉन 3, 5 आ गया साहब। सेकंड देखिए, समझिए, 10 एस वी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू 5, तो ये आ गया 2। ठीक है, वापस बोल देता हूँ, आरआर वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप की कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप हर एस वी वैल्यू को, ठीक है, उसकी की कॉलम वैल्यू से डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर एस वी के लिए आरआर वैल्यू हो जाएगी, या उस रो के लिए आरआर रिप्लेसमेंट रेशो हो जाएगा। अब ये निकाला क्यों हमने, आप देखिए, हमने यहाँ नीचे ये एक अपकमिंग एरो लगाया है, एक मैंने ये अपकमिंग एरो लगाया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो बेसिक वेरिएबल है ना, उसमें ये x1 इंसर्ट होगा, जब सेकंड टेबल में हम जाएंगे अगले वीडियो में तो x1 इंसर्ट होगा, लेकिन x1 किसकी जगह आएगा, s1 की जगह या s2 की जगह, उसके लिए हमने रिप्लेसमेंट रेशो निकाला है। और रिप्लेसमेंट रेशो निकालने के बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेलेक्ट दी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान रखिएगा सी जे माइनस जेड जे में हाइएस्ट पॉजिटिव और इसके अंदर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, एंड प्लीज़ जीरो को इग्नोर कर दीजिएगा, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। सो सेलेक्ट दी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर आर, अब आर आर में देखिए आप पॉजिटिव वैल्यू और वो भी लीस्ट, फाइव भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये लीस्ट है, तो ये इसके बाहर मैं एक देखिए एरो लगा रहा हूँ, आउट गोइंग एरो, आपको टेक्स्ट में दिख नहीं रहा होगा बट मैंने एक आउट गोइंग एरो यहाँ लगा दिया, ठीक है। और जैसे उस कॉलम को सेलेक्ट किया था ना, वैसे ही मैं इस रो को सेलेक्ट कर लूँगा, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, दिस विल बी कॉल्ड एज, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी की रो, क्या कहलाएगी, की रो, की कॉलम ऐसे आया और की रो ये आ गई। सो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि नेक्स्ट टेबल में x1 तो इंसर्ट होगा, x1 अगली टेबल है bv में आएगा, लेकिन s किसकी जगह आएगा, सर s2 की जगह आएगा। तो नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे अगले वीडियो में, तो आप देखिएगा s2 की जगह मैं x1 इंसर्ट करूँगा, s2 का रिप्लेसमेंट रेशो लीस्ट पॉजिटिव है और x1 का नेट इवेल्यूएशन रो वैल्यू cj माइनस zj जो रो है उस वो वैल्यू हाईएस्ट पॉजिटिव है, राइट। सो इस तरह से इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने अभी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाई है, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा बट डोंट वरी, एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, इसी क्वेश्चन को वापस लिखिए, टेबल वापस बनाइए, ठीक है। और अगर ये टेबल इस तरह से पूरी आपने बना ली है, ट्रस्ट मी, आपको फाउंडेशन आ गई, अब सिर्फ 40% काम हमें और करना है, बिकॉज सिंप्लेक्स मेथड के अंदर अगर आपको फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल, ये दो टेबल बनाना आ गया, तो बस फिर रिपीटेशन ऑफ द वर्क है, उसके बाद नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल की, अभी हम मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करिएगा एंड सजेस्ट कि क्या और इम्प्रूव इसमें हम कर सकते हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ पुट योर फीडबैक इनटू दैट, वी आर वेटिंग फॉर दैट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड प्लीज़ प्रैक्टिस, ऑल द बेस्ट।